उस टाइम ये मूवी बनी थी 40 करोड़ के बजट पे, लेकिन इसने कमाए थे इस मूवी का जो सॉन्ग शावा शावा है, कहा जाता है कि भाई उसको शूट करने के लिए अमिताभ बच्चन ने 10 से ज़्यादा दिन लिए थे। और फिर क्या हाल चाल है सबके, वेलकम बैक टू रिव्यूज़ विद रूपम। भाई आज बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जो आपने अपने टीवी पे तो ज़रूर ही देखी होगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 में। मूवी का नाम है कभी खुशी कभी गम। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो इसके बारे में कभी ना कभी सुना तो होगा, इसके क्लिप्स भी देखे होंगे, इसके गाने तो ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि इस मूवी के सारे गाने काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, चाहे शावा शावा हो या बोले चूड़िया हो। मतलब लगभग आप इसकी सारी प्लेलिस्ट देखोगे ना इस मूवी की, तो आपको लगेगा यार ये सारे गाने इसी मूवी के हैं। आज इस मूवी का रिव्यू करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये मूवी उस टाइम हिट रही थी या फ्लॉप, तो भाई उस टाइम ये मूवी बनी थी 40 करोड़ के बजट पे, लेकिन इसने कमाए थे 135 करोड़, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उस टाइम की ये सबसे महंगी मूवी थी कि भाई जो 40 करोड़ में बन के आई थी, क्योंकि इस मूवी की कास्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन हो, शाहरुख खान हो, काजोल हो, ऋतिक रोशन हो, करीना कपूर हो, आगे से आगे आप नाम लेते जाइए और सबको आप जानते ही होंगे। अगर बात करें कि भाई ये मूवी थी कैसी, क्या ये क्रिंज था जो उस टाइम मतलब लोगों को फिर भी पसंद आया, या फिर ये मूवी लिटरली काफ़ी अच्छी थी। देखो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। तो देखो ये एक फैमिली ड्रामा टाइप है जिसमें एक भाई पापा जी हैं जिनकी बात सबको सुननी ही पड़ती है, उन्होंने जो बोल दिया वही होगा घर में, ऐसा ऐसा कुछ दिखाया गया है मूवी में। वो बने हैं अमिताभ बच्चन, अब आगे उनके शाहरुख खान जो उनका बेटे हैं, और साथ में है ऋतिक रोशन। अब कुछ ऐसे सरकमस्टांस मूवी में बन जाते हैं कि शाहरुख खान को घर छोड़ के जाना पड़ता है, और अब ये मूवी सारा इस पे बेस करती है कि कैसे ऋतिक रोशन अमिताभ बच्चन को और शाहरुख खान को रीयूनाइट कर सके और उनकी फैमिली को पूरा कर सके। इस मूवी में सबसे ज़्यादा आपको इमोशंस देखने को मिलेंगे, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप सोचें एक्शन वगैरह तो वो भाई दूर दूर तक इस मूवी में बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्टिंग कुछ लोगों की बहुत ही अच्छी है, चाहे शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, अमिताभ बच्चन हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको क्रिंज भी देखने को मिलेगा इस मूवी में। थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ओवर एक्टिंग भी हो रही है, बाकी अगर आप इन चीज़ों से ऊपर निकल आए तो भाई मूवी आपको फिर भी ठीक लगेगी, क्योंकि मूवी की स्टोरी काफ़ी सही है, लेकिन मूवी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है। उस टाइम भी लोगों ने यही कहा था कि बहुत लंबी बना दी है मूवी। अब देखो इस मूवी में सबसे बड़ी बात क्या है, यह मूवी कहीं भी आपको कोई ऐसे टर्न एंड ट्विस्ट नहीं देती कि भाई जिससे आपको यह फील आए कि नहीं भाई बहुत ज्यादा मूवी आपको पकड़ के रख रही है, या मूवी आपको भाई कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंस या फिर कोई मिस्ट्री या थ्रिल ऐसा कुछ भी नहीं पास करती। यह मूवी पूरी की पूरी इमोशंस पे टिकी हुई है, और अगर देखा जाए तो भाई उस एरिया में ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सही रहती है। आपको इमोशंस कनेक्ट भी होंगे मूवी में, और आपको कहीं ना कहीं मूवी लगेगी कि भाई थोड़ी बहुत तो सेंस बना रही है। अगर मैं कुछ फैक्ट्स भी आपको इस मूवी के बताऊं, तो देखो इस मूवी का जो सॉन्ग शावा शावा है, कहा जाता है कि भाई उसको शूट करने के लिए अमिताभ बच्चन ने 10 से ज़्यादा दिन लिए थे। इस मूवी का एक सॉन्ग के लिए भाई बाहर से लंदन से 50 डांसर्स को लेके आया गया था, स्पेशल बोलते हैं ना कि उस सॉन्ग को शूट करने के लिए। इस मूवी में छोटा सा रोल अभिषेक बच्चन का भी था, लेकिन बाद में उन्हीं की रिक्वेस्ट पर उसको काट दिया गया था। कहा जाता है कि भाई आमिर खान को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और जब इसकी बोलते हैं ना स्क्रीनिंग टाइप थी, तो उन्होंने देख के बोलते हैं वो बहुत ही जल्दी ट्राई किया था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ ताकि मेरे को कास्ट या फिर कोई भी नॉन बंदे को फेस ना करना पड़े। ये उस टाइम के हिसाब से बाहर अगर देखा जाए फॉरेन कंट्रीज़ में तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन गई थी इंडिया की। और इसमें जो शाहरुख खान मतलब स्टार्टिंग जब मूवी की होती है ना, जब शाहरुख खान छोटा दिखाएंगे या बच्चा दिखाएंगे, तो उनके अपने बेटे ही आर्यन ने ही उनका रोल निभाया है इस मूवी में। अगर मैं इस मूवी को रेट करूं तो ये मूवी कहीं 3 and 3.5 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि ये मूवी ऐसी भी नहीं है कि भाई जो आपको लगे कि ये मैंने क्या ही देख लिया, लेकिन ये मूवी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ऐसी भी नहीं है कि आपको ये फील दे कि भाई क्या ही ज़बरदस्त मूवी थी, लेकिन फिर भी ये मूवी कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील करवाएगी, क्योंकि इमोशंस और बोलते हैं ना इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स की एक्टिंग देख के आपको लगेगा कि नहीं चलो ठीक है यार, और इसके गाने इतने अच्छे हैं, लेकिन आपको हर 5 या 6 मिनट के बाद गाना देखने को मिल ही जाता है इस मूवी में। जैसे आजकल हीरो की एंट्री बोलते हैं ना BGM लगा के पीछे बिल्कुल स्वैग दिखा के की जाती है, उस टाइम ऐसा था कि भाई कोई ना कोई अच्छा गाना पीछे लगा के की जाती थी, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा ही। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये आज Netflix पे मिल जाएगी। अगर आप ऐसे ही पुरानी मूवी के रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हमारे नई सीरीज़ की पहली वीडियो है भाई, जिसमें हमने पुरानी मूवी का रिव्यू किया है। आगे से आगे हम और भी मूवीज़ का रिव्यू करेंगे। अगर आप किसी और मूवी का जो आपको पसंद हो उसका रिव्यू देखना चाहते हो तो भाई कमेंट करके बता दो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।